तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि आज इसका मन हुआ है मेरे को खिलाने का। तुम हमेशा यही बोलते हैं इसका मन हुआ, इसका मन मेरे को खिलाने का मन हुआ। बोला ना, तुम्हारा खाने का मन हुआ है, मैंने बोला। मेरे खाली मेरे मुंह से बोल दिया मैंने, कैसे पकड़ लियो बात, मन में बना के ही रहूंगी। मेरे बच्चे लोग भी देख लेंगे, मेरी आंटियों भी देख लेगी, मेरी अम्मा भी देख लेंगी। ज्यादा नहीं, ज्यादा बच्चे लोग ही हैं। मेरे जो तेरे बड़ी आंटी भी देख लेगी, मेरी खाला भी देख लेगी। छोड़ो, एक सब्सक्राइबर तो अलग है, माशाल्लाह नौशीन की फ्रेंड लोग है, वो लोग भी माशाल्लाह बना रहे हैं। वो लोग की भी शादी होने वाली है अभी, तो उन लोग बोलते आंटी बहुत अच्छी लग रही है रेसिपी। कल ही मेरे को कॉल करी थी, बटर चिकन बनाए, बोले आंटी क्या अच्छा अच्छा बनाओ, तो मेरे को आसान है। अच्छा है, तेरे शादी के टाइम में मेरा तेरा फायदा तो हो गया। किसी की दुआ तो लगेगी, है ना। तो इतनी खुश हो गई, इतना आसान बता रहे हो, जल्दी और बनाओ तो मेरी शादी तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज तू क्या बना रही मेरे लिए? बना रही ग्रीन मटन, ग्रीन मटन का सालन बना रही हूँ, तो ग्रेवी बना रही हूँ। वो अंकल को बहुत टेस्टी लगती है, बकरा इतना पूरा गोश्त है ना, ऐसे ही खाते हैं। हरे मसाले में सूखा सूखा बना के दे दो तो शौक से ना खा लेते, रुका रुका भी खा लेते, रोटी के साथ में भी खा लेते। ज्यादा लुखा ही खाता, बोटी ज्यादा खाता। अभी फिलहाल मेरे हाथ में तकलीफ ना, डर के मारे ना, मैं रोटी नहीं बना रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो मैं रोटी अच्छी बनती ना, मेरी रोटी मस्त बनती है, हर चीज़ अच्छी बनती है। बड़ा ज़्यादा नहीं बना, मैं रोटी भी अच्छी बनाती हूँ माशाल्लाह। लेकिन फिलहाल हाथ के डर के मारे मैं रोटी नहीं बना रही हूँ। और ये स्कार्फ पहन लूँ, प्लीज़ बार बार कमेंट नहीं करना। तो आप लोग के बोलने पे पहली शुरुआत हम लोग की हो चुकी है। पहला मिक्सर हम लोग ने खरीद लिए है और इसको देखो किसी फिटिंग मीटिंग कर रही है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो ये मेरे को वो कर देगी, क्या कर देगी। तो ये देखो आप, अरे वो ना कीमा वगैरह काटने के लिए ना मिक्सर, वो कीमा जब शामी को आपके लिए पीसते ना, तो अंदर से वो मिक्सर की ब्लेड कभी कभी टूट जाती है, कभी कुछ जाती है। बस अभी खास कर हमारे बाजू में ही रहते हैं, उनसे मैंने मंगाई, तो उन्होंने ये रखी थी। मैंने ना ऑनलाइन पर देखी थी, बहुत अच्छा था ये, ऐसा पहले लगाने का, उसको ऐसा ये पूरा पैक हो जाएगा, इसके ऊपर ये रख के अंदर पीसा जाएगा करने का। हाँ, मतलब कीमा वगैरह के लिए ज्यादा लियो, मैं खाली कीमे के लिए यूज़ करूँ। अन्य शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह शाम में हम लोग फिर जाने वाले हैं, सब खरीदी करने, फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या खरीदे। शब ने वापस वैसी सेम तैयारी करके रख चुकी है, आज थोड़े चेंजेस लाई है उसके अंदर, लगता है कुछ नया आइटमदार नहीं लगता है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ क्या है। मसाले सब वही चलते जो है, वो एक्स्ट्रा नहीं होते मसाले, लेकिन ये ग्रीन मसाला है, तो उसके लिए ग्रीन चीजें सब रहेगी। इसके लिए बता रही, देखो पहले अपने को जाएगा अंदर ये दही, धनिया जीरा, नमक, गरम मसाला, और ये ब्रिस्ता वाला उसने बनाई थी तो बच गया था तो रख दी थी मैंने, इतना ब्रिस्ता अदरक लहसुन। और इसके लिए ये मसाला हमें पीसना पड़ेगा, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज, सबको अपन पीस लेंगे, इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और ये अपना गोश्त, ये मैंने अपना नहीं बकरे का है, बकरे का गोश्त है ये, बकरे का गोश्त, उसको अच्छा से ना विनेगर डाल के मैंने धोई, देखो माशाल्लाह कितना व्हाइट व्हाइट हो गया, पूरा लाल पड़े ना विनेगर डाल के भिगा के, माशाल्लाह व्हाइट था। हाँ, भिगा के ना उसको रख देने का ना, तो पूरा जो इसका विनेगर है ना, विनेगर डाल के रखेंगे ना गोश्त में या चिकन में, तो उसकी ना महक है ना वो भी मर जाती है, और जो खून रहता है ना एक्स्ट्रा वो भी निकल जाता है। तो आधा घंटा पहले ला के धो के अच्छे पानी धो लेने का, फिर विनेगर एक ढक्कन डाल के उसको ढक के रख देने का पानी डाल के, तो उससे ना अपने जो गंदा खून है, बांस है, वो सब ना चली जाती है, महक आती है। बकरा के अंदर भी देखो गोश्त के अंदर ऐसी महक आती है, तो वो महक से अपने को ना अच्छा। तो इतना शौक हो गया मैं देख के कि मेरी बेटी की बेटी दोनों आए माशाल्लाह, ये देखो, हाय 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 हाय, तेरे को देख के मेरे को इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊँ मैं, और इसको देख के ज़्यादा होती है। और मेरा डानू भी आया, डानू वाह वाह, अरे वाह, हम लोग अभी हो गए ले यार, मेरी गुड़िया भी आई है, हम पीछे मेरी बुढ़िया भी खड़ी है। हाँ, मेरा सब में चलता है, रानी ऐसा मत बोल, मेरा दिमाग सब में चलता है, लेकिन मैं ये लोग को मेरी कदर नहीं है, जिस दिन कदर होगी उस दिन मैं नहीं रहूँगा। क्यों नहीं है कदर? अरे यहाँ नहीं रहूँगा, टावर में नहीं लेगा, 20 साल जैसी बड़े क्या बोलती दोस्तों, आज अचानक किसी आ गई थी, आज अचानक किसी आ गई, पानी नहीं है, तो इसके लिए आई है ये, तो वही तो मैं उसको पूछा अचानक कैसी है, तो बोलती नहीं है ये। अच्छा, तो चलो जैसा सब ग्रीन मसाले वाला
कलिया नहीं, नहीं। चिकन का होता है ये मटन का भुना और ये कालिया और ये मैं कालिया बोलता है। तो फिर वो कैसा पकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मिक्सर में पीस डालिए, सब हो चुका है, रेडी करके रख दी है, अब सिर्फ मिलाना बाकी है, yes. है ना? लेकिन मैं ना एक दो चीज भूल गई थी, सॉरी, एक टमाटर और एक हल्दी वो डालने का था। तो चलो अभी मिक्सर में क्या पीसी, मिक्सर में मसाला था ना जो प्याज कोथमीर और लहसुन तो अभी अपन डालेंगे अंदर गोश्त, हमारा अपना होश और इसके अंदर जाएगा ये पूरा मसाला, पानी डालते हैं इसके अंदर, इसमें जाएंगे इसमें जाएंगे टमाटर और ये 3 चम्मच तेल है और इसके अंदर जाएगा दही और ये बिरिस्ता गया अंदर, इसमें आएगा अदरक लहसुन हल्दी धनिया जीरा नमक और गरम मसाला, ये सब भी चले जाएंगे, सब डाल देने का एक साथ और उसको भूनना है। मैं भूनती हूँ, कितने जान बोलते हैं आंटी तुम तो ऐसे ही बना देते हो, भूनते ही नहीं हो, एक दो कमेंट्स करने वाले हैं। कच्चे खाते हैं भून। नहीं मतलब भूनना है इसको, मतलब ये बन जाते हैं ना, इसको आपको भूनते हैं, मैं भूनती हूँ उसको, तेल जब तक तरी भूनेगी नहीं ना तब तक अपने मसाले में टेस्ट नहीं आएगा, तो भूनना तो जरूरी है। ये तो सब डाल के चढ़ा देते हैं, इससे गोश्त भी लग जाएगा अंदर, मसाले कच्चे पड़े ना वो भी चला जाएगा पूरा, फिर बाद में उसको कढ़ाई में ट्रांसफर करके फिर जो बड़ी पुरानी कढ़ाई जो आप लोगों को पसंद नहीं है वो जाएगी कढ़ाई में, हाँ वो कढ़ाई में जाएगा और उसके अंदर अच्छा भुनाएगा। और इंशाल्लाह अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, हमारे लोग आ चुके हैं और शब कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, कुकर में सबको डाल दिए, भाई बहन सब मिल गए अंदर, अब वो लोग खेलेंगे अंदर, अब जब गर्म होगा तो और वो लोग उछलेंगे भी शायद, है ना? देखो पानी से थोड़ा डालने का इसमें, क्योंकि हम लोग सूखा बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डालने का, बस इतना थोड़ा सा पानी डाल के उसको अपन चढ़ा देंगे, तब तक गोश्त भी गल जाएगा 4-5 सीटी के अंदर और उसके बाद फिर भूनेंगे। फिर कुकर में गर्म होने या पकने के बाद आप लोग को मैं बताता हूँ, पक चुका कुकर से, वो कुकर गैस से उतर चुका है और पतीले में जाने को तैयार हो रहा है। थोड़ी दाली छाट के और माशाल्लाह पूरा अच्छा फर्स्ट क्लास गोश्त गल गया, ठीक है, टूट रहा है, अब इसको थोड़ा अपन भूनेंगे, थोड़ा भूनेंगे ना तो और माशाल्लाह टेस्ट आएगा ना, यस खुशबू तो अभी चाह रही है, खुशबू आई है हरे मसाले, अभी नहीं खा सकता ये, खा सकते हो जाए थोड़ा 5-10 मिनट लगेगी बस, ज्यादा नहीं भूनने का, अपना पक गया पूरा मसाला अपने गल गए थे। तो फाइनली पक चुका है गोश्त, रेडी हो चुका है, वो बोल रहा है कि तुम भाई मेरे को मुँह में ले लो और जल्दी खा के बताओ लोगों को कि कैसा बना है, तो मैं आप लोग को बना बताता हूँ कि कैसा बना है, खा के दिखाओ कि नहीं दिखाओ सोच रहा हूँ, फिर तुम लोग बोलेंगे ये खाते रह गया दिखाता रहता है, तुम लोग अच्छा लगता है फिर मैं दिखा दूंगा, फिक्र मत करो, है ना शेफ, ये लोग अच्छा लगता है ना मैं खाता तो, हाँ तो फिर मैं बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बिस्मिल्लाह बोलते हो ना, हाँ बोलता हूँ ना बिस्मिल्लाह, अभी अभी क्या सबको सुना के बोलो बिस्मिल्लाह, अरे भाई मन में बोल दिया बिस्मिल्लाह खत्म हो गई, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह खा के उठा, हाथ चूमता भी हूँ कि भैया अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको खिलाया, ऐसा करके वो सब थोड़ी दिखाया जाता है, कुछ समझना चाहिए, तुम लोग को भी समझना चाहिए, है कि नहीं सर, तो क्या बन गया, रेडी हो गया, ओ नंदली भी है, चल भूख लगी मेरे को, पहला फरसाद में पहला मेरे को दे, समझी है ना, चलो फिर मेरे को पानी, चलो खा लो ना पानी आ रहा है तो, जैसे मैं आप लोग को बोला था हाँ। मैं सिर्फ लुक्का खाता हूँ ना, यस, रोटी में बहुत कम खाता हूँ, बिस्मिल्लाह बोले थे, हाँ मैं बोला अच्छा बना है, चलो बोलो आप सुकून से खाने के लिए, हाँ चलो, तो मैंने माशाल्लाह बहुत खाया, फिर सूखा सूखा खाया, बहुत मजा आया, इतना खाया अभी रखा हो थोड़ा, रात में खाऊंगा, नौशीन नहीं खाए तो नौशीन खा ले, नौशीन नहीं खाए तो अभी मैं खा लूंगा, क्या बोलती नौश, कमेंट करते रहते मैं खाना नहीं खाया, अरे तू बोलने देना बाबा, ऐसा खाती बड़बड़ी वाला है, हम लोग वो नहीं जो ऐसा नहीं, इस वीडियो में देखा था, हां ऊपर नहीं करूंगा, हम लोग रियल है, हम लोग क्या सब रियल है, रियल आप हम लोग बनावटी दूसरे की तरह, ऐसा नहीं करो वैसा मत करो, ये सब हम लोग की आदत नहीं है, जो भी है सब रियल बताते हैं, और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह एक नंबर है, लेकिन है ना, क्या बोलते ना, सही है गलत बोला, मैं गलत बोलता ही नहीं, भले सामने वालों को बुरा लगता हो लेकिन मैं हमेशा सच और सच ही बोलता हूँ, है ना मेरा बच्चा, तो क्या करना फिर,
दानिश का वेट है, हाँ। जाना है आज, आज तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, कल आपको ब्लॉग में नॉलेज ब्लॉग में दिख जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या लेने जा रहे हैं, आप लोग ये अभी मिलता है तो ले ले फटाफट लेके रख दे सकते हैं। चलो फिर वीडियो क्या अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर। नहीं रुको, आप लोग ये खाना बनाना टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। और ऐसा मैं ना हर मसाले को तो बता, आंटी एक ही मसाले डालते हैं, एक ही मसाले मसाले जो पड़ेंगे वही मसाले जाएंगे ना, थोड़ी मतलब से घास फूस लाकर डाल के बनाऊंगी खाना। जैसे अपने जो कपड़े तो खाना भी वही जो जाएगा वही जाए, उसमें मसाला जाएगा ना। चलो तो मैं वीडियो जरिए एंड करती हूँ, करता हूँ। तो क्या करने का बोलो, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी दबाओ। टिंग टांग।